हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल से मेकअप ब्रशेस। जैसे कि आपको पता है, मेकअप ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं अगर आप उनको सेट में लेते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं और आप मेकअप ब्रशेस आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे जो अफोर्डेबल भी हों और बहुत ही अच्छा वर्क करें, तो ये आज की वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच यू ऑल। और आज मैं जो आपके साथ ब्रशेस शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने अमेजन से मंगाए हैं और इसमें मेरे को 10 ब्रशेस मिले हैं फॉर ओनली ₹230। सो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड ऐसी डील मिस नहीं करनी चाहिए। सो जल्दी से ब्रशेस देख लेते हैं। सो मुझे जो पैकेजिंग रिसीव हुई थी वो ऐसी कुछ रिसीव हुई थी। इसमें मेरे को मेकअप ब्रशेस मिले थे एंड पैकेजिंग की अगर बात करें तो इस रेंज में अगर आपको जो पैकेजिंग मिल रही है वो कुछ ऐसी पैकेजिंग थी। सो पैकेजिंग वाइज इतना अच्छा नहीं है। सो जो मेकअप ब्रशेज मुझे रिसीव हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं। सो 230 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पैकेजिंग के लिए। बट अंदर से अगर आप इसको ओपन करोगे तो जो आपके मेकअप ब्रशेज है वो सिंगल ब्रश भी आपको एक अलग पैकेजिंग में मिल रहा है ताकि वो डस्ट वगैरह उसमें ना लगे। सो ये आप देख सकते हो, ये अलग पैकेजिंग है। सो बिगिनर्स के लिए मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगी जो मैंने सिर्फ इन ब्रशेस की हेल्प से अचीव किया होगा, जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी ये कैसा वर्क करते हैं, कैसे ब्लेंड करते हैं, कौन सा मेकअप ब्रश किसके लिए यूज़ होता है। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो पाए। सो सबसे पहले बात करते हैं जो फेस मेकअप के लिए इसमें ब्रशेस अवेलेबल हैं। वो यहाँ पर 5 ब्रशेस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। हर ब्रश का डिफरेंट यूज़ है। सो मैं अभी आपको शेयर भी करूँगी कि कौन सा मेकअप ब्रश आपको कैसे यूज़ करना है। सो जो फर्स्ट मेकअप ब्रश की मैं बात कर रही हूँ वो है ये है फ्लैट टॉप मेकअप ब्रश। इससे आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से बफ होता है। ये फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है जैसे कंसीलर है, सो उससे भी ये काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। सो जो फर्स्ट मेकअप ब्रश है ये फाउंडेशन ब्रश है। सो जो सेकेंड मेकअप ब्रश है वो है ये आप देख सकते हो, ये राउंड है, फ्लैट नहीं है। सो जो ऐसे मेकअप ब्रशेज होते हैं वो पाउडर लगाने के लिए काम आते हैं। जैसे आप अपना कॉम्पैक्ट इससे लगा सकते हो, अपना इवन ब्लश भी आप इससे यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे जो ब्रशेज है वो पाउडर ब्रश होते हैं। सो ये हमारा सेकेंड मेकअप ब्रश है। थर्ड जो मेकअप ब्रश है वो है ये है फ्लैट टॉप एंगुलर ब्रश। ऐसा ब्रश हमारा कॉन्टोरिंग करने के लिए हेल्प करता है। आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से अपने कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड ब्रश है। जो हमारे ब्रशेज हैं वो काफ़ी फ्लफी हैं, तो इससे आपका बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, इसका जो टॉप है वो फ्लैट है बट ये थोड़ा राउंडेड है। सो जो ऐसा मेकअप ब्रश है वो भी आपको जो पाउडर बेस्ड कॉन्टोरिंग है आप वो सेट इससे कर सकते हो, क्योंकि वो फ्लैट टॉप है तो आप उसको क्रीम बेस्ड भी उससे सेट कर सकते हो और इस वाले से आप पाउडर बेस्ड कॉन्टोरिंग कर सकते हो। जो फिफ्थ मेकअप ब्रश है वो है ये डूम टाइप ब्रश। ये इतना डेंस है, आप इससे जो आपका जो अंडर आई कंसीलिंग है ये इसका शेप जो है वो ये हमें बेनिफिट देता है। जो आपका जो कुछ एरिए ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा जो ब्रश है वो नहीं पहुँच पाता, सो इसकी जो शेप है और इतना डेंस है इस वजह से आपका जो कंसीलिंग है अराउंड योर नोज, अराउंड योर अंडर आई, इनर अंडर आई, सो बहुत अच्छी तरह से कंसीलिंग कर देता है और अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर देता है। सो ये हमारा फिफ्थ मेकअप ब्रश है। सो ये हमारे वो 5 मेकअप ब्रशेज जो हमें सेट में मिले हैं। आप इसमें देख सकते हो आपका कॉन्टोरिंग, आपका कंसीलिंग, आपका फाउंडेशन, आपका बेस सेट करना, सारे ब्रशेज आपके इसमें अवेलेबल हैं। एंड जो अब बात करते हैं आई मेकअप के बारे में, तो जो आई मेकअप है उसके लिए भी आपको 5 ब्रशेज अवेलेबल हो रहे हैं एंड वो है ये 5 आई मेकअप ब्रशेज। अगर मैं इसकी सबसे पहले बात करूँ, ये है फ्लैट टॉप आई ब्रश। इससे आपका जो कंसीलिंग है उसको सेट करने के लिए, पाउडर करने के लिए आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। जो हमारा सेकंड ब्रश है वो है ये राउंड टाइप ब्रश। ऊपर से फ्लैट इतना नहीं है, राउंड है, सो आप इसको अपना आई शेडो ब्लेंड करने के लिए अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये एंगुलर ब्रश है जो आपकी क्रीज लाइन से आपका जो ट्रांजिशन कलर होता है आप इसकी हेल्प से वो ट्रांजिशन कलर अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये है फ्लैट टॉप आई ब्रश। इससे भी आपका आई शेडो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। एंड जो फिफ्थ ब्रश है वो है ये डूम टाइप ब्रश। इसको हम पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं। सो आपका जो क्रीज लाइन है उस पर आप इसको डिपॉजिट करने के लिए, आपका कलर और क्रीज लाइन को और अच्छी तरह से डेंस दिखाने के लिए, या अपनी जो इनर अंडर आइज हैं वहाँ पर जो आप आई शेडो का जो आप शेड देते हो उससे ये पेंसिल ब्रश की हेल्प से वो अच्छी तरह से आपका ब्लेंड हो जाएगा। सो ये ऑल इन वन सारे मेकअप ब्रशेज कंप्लीट होते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है सिर्फ लाइनर ब्रश की। वैसे भी आज के आईलाइनर्स आते हैं उनमें जो ब्रश होता है वो अवेलेबल होता है, तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना फुल
फेस मेकअप इन ब्रशेस के हेल्प से कर सकते हैं एंड ओनली इन 230 आपको क्या मिलेगा, इन 230 में आपको ये 10 मेकअप ब्रशेस मिल रहे हैं। इसका सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगा जो मैंने इस ब्रशेस के सेट को देखा था, वो आईलाइनर ब्रशेस इज ओके कि हाँ भाई चलो इतना तो चलता है, बट जो हमारे जो पाउडर ब्रश हैं इसके जो हैंडल हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो मे बी बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो इसे वर्क करने के लिए, बट इतने भी छोटे नहीं हैं, आप इसको आराम से पकड़ के आप अपना जो ब्लश है या कोई भी कॉन्टोरिंग या फेस को बफ करना, फाउंडेशन ब्लेंड करना अच्छी तरह से कर सकते हो। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने इस मेकअप ब्रशेस को देखा था तो थोड़ा सा उप्स हुआ था कि उप्स इतने छोटे, बट बिलीव मी आपका जो ये मेकअप ब्रशेज है ये आप सोच नहीं सकते, आपको लगेगा 230 आपने पे किया, जब मैंने खरीदा था तो 230 का था, अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो प्राइस हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जब मैंने ये बाय किया था वो 230 था, एक दिन पहले 252 था, सो बट जो क्वालिटी आपको मिल रही है वो इससे भी अबव है, आप 230 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये मेकअप ब्रशेस आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए ये है कि आपको ये एज अ ट्राई करने चाहिए। एंड इसमें डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये पिंक एंड सिल्वर है, ऐसे अराउंड ब्लैक एंड सिल्वर भी आता है, सो मुझे बट ये कलर अच्छा लगा, थोड़ा गर्लिश है इस वजह से मैंने ये बाय किया। एंड अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके अमेजन पे चेकआउट कर सकते हैं कि फिलहाल क्या प्राइस है एंड से आप बाय कर सकते हैं। कोई डिलीवरी फीस नहीं लगी थी मेरी, बट अभी देखना पड़ेगा अगर वो डिलीवरी चार्जेस भी ले रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको ये ब्रशेस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं मेकअप के लिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।